नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बॉयल के बारे में, जिसको हम फोड़ा बोलते हैं या बालतोड़ बोलते हैं। इस वीडियो में हम डिटेल में समझेंगे कि बॉयल क्या होता है, यह समस्या में क्यों होती है, इसके क्या क्या लक्षण हैं और होम्योपैथी में कौन सी तीन बेहतरीन दवाइयाँ हैं जिसकी मदद से आप इस प्रॉब्लम को ठीक कर सकते हैं। इसमें आपको किसी एंटीबायोटिक की जरूरत नहीं पड़ेगी या कभी कट लगाने की आपको इसमें जरूरत नहीं पड़ेगी और आप सिर्फ होम्योपैथी की मदद से इसको बहुत जल्दी हील कर पाएंगे। मैं दोस्तों ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ इस चैनल पे लेके आ रहा हूँ ताकि आपको डे टू डे लाइफ के अंदर जो भी छोटी मोटी प्रॉब्लम्स होती हैं इसके लिए आपको डॉक्टर के पास ना जाना पड़े, आप अपने डॉक्टर खुद बने और अपनी अपना और अपनी फैमिली का घर पे ही इलाज कर पाए इन छोटी छोटी प्रॉब्लम्स में। मैं आपको विद डोज बताता हूँ कि डोज को रेडी कैसे करना है, डोज आपको लेनी कैसे है, कौन सी मेडिसिन लेनी है और कितनी बार लेनी है और कब स्टॉप करनी है। तो पूरी इन्फॉर्मेशन मैं इन वीडियोज़ में आपको दे रहा हूँ। सबसे पहले हम समझते हैं दोस्तों कि बॉयल क्या होता है। बॉयल को हम बाल तोड़ कहते हैं। बाल तोड़ क्यों कहते हैं? क्योंकि जो हमारी स्किन है, स्किन के ऊपर होता है हेयर, हेयर के नीचे हेयर की रूट होती है जिसको बोलते हैं हेयर फोलिकल। ये हेयर फोलिकल का इन्फेक्शन है, हमारे बाल के जो नीचे की जो रूट है उसका इन्फेक्शन है, उसको ब्रेक करके उसको तोड़ के ये ऊपर की तरफ आ जाता है, इसलिए इसको बाल तोड़ कहते हैं। हमारी स्किन की जो रूट है हेयर फोलिकल, उसके नीचे स्टेफाइलोकोकस यूरियस नाम के बैक्टीरिया का इन्फेक्शन हो जाता है, वहाँ पे पस सेल्स इकट्ठे होनी शुरू हो जाती है, वो बाहर ड्रेन नहीं होती, उसके बाद धीरे धीरे वहाँ पे नीचे एक गांठ बननी शुरू हो जाती है, एक हार्ड कोई चीज़ बनना शुरू हो जाती है, उसके ऊपर वो पूरा रेड हो जाता है और वहाँ पे धीरे धीरे पस का फॉर्मेशन होता है और उसको हम बॉयल कहते हैं। ये बहुत ज़्यादा पेनफुल होता है। स्टार्टिंग के अंदर क्या होता है, इसकी स्किन बहुत ज़्यादा हार्ड होती है, स्किन पूरी रेड हो जाती है, पूरी पेनफुल हो जाती है, उसको आप टच भी करते हैं तो बहुत ज़्यादा पेनफुल होता है। और ये पेन कितना ज़्यादा होगा ये इस चीज़ पर डिपेंड करता है कि इसकी लोकेशन क्या है, कहाँ है, ये कहाँ हुआ है। दोस्तों ये ज़्यादातर हमें आर्म पिट पे होता है, यहाँ पे नीचे की तरफ एक्जिला में होता है, बटक्स पे होता है, पीछे के रीजन में हिप्स पे होता है, फेस पे हो सकता है, ग्रोइन रीजन के अंदर हो सकता है, जहाँ भी हेयर है स्किन के ऊपर ये कहीं भी हो सकता है, ठीक है। सेकेंड स्टेज में क्या होता है, 5 से 7 दिन के अंदर ये पकना शुरू हो जाता है, इसके ऊपर एक हल्की सी पस की एक कोर बन जाती है, उसको हम बोलते हैं कोर, पस थोड़ी सी उसमें उभर के बाहर आना शुरू हो जाती है, ये इसकी सेकेंड स्टेज है। और थर्ड स्टेज में पूरी पस ऊपर बनना शुरू हो जाती है, उसके बाद ये फट जाता है और फट के पूरी पस ड्रेन आउट हो जाती है और ये फिर हीलिंग प्रोसेस में चला जाता है। तो ये इसका प्रोसेस है और इस प्रोसेस में कम से कम 15 से लेकर 20 दिन लग सकते हैं। और मेडिसिन का क्या बेनिफिट है दोस्तों? मेडिसिन का ये बेनिफिट है कि जो काम 15 से लेकर 20 दिन में होना था वो 5 से 6 दिन में हो जाएगा, इतना फ़ायदा होता है होम्योपैथी का। होम्योपैथी क्या करेगी, उस प्रोसेस को फास्ट कर देगी, जो पकने में 15 दिन लेने वाला था वो पकने में 3 दिन या 4 दिन में पक जाएगा प्रॉपर, ठीक है। अगर आपको होम्योपैथी मेडिसिन की प्रॉपर नॉलेज है, आपको समझ है कि इसको कैसे अप्लाई करना है, तो ये हो पाएगा। तो अब हम बात करते हैं इसके ट्रीटमेंट के बारे में कि कौन कौन सी होम्योपैथी मेडिसिन है और किस स्टेज पे कौन सी दवाई लेनी है। 3 दवाइयाँ बता रहा हूँ, बिल्कुल आसान है। स्टार्टिंग में जैसे ही आपको बॉयल हुआ, जब तक पस नहीं बनी, पूरा रेड है, हार्ड है, बहुत ज़्यादा पेनफुल है, टस टस जैसा पेन हो रहा है, बहुत ज़्यादा पेनफुल है, आप उसको टच भी नहीं कर पा रहे और उसके साथ आपको फीवर आ गया, तो फीवर आना भी इसमें कॉमन है क्योंकि इन्फेक्शन हो जाता है और कुछ केसेस में नहीं भी आता, तो आपको बेलाडोना मेडिसिन इस्तेमाल करनी है और 1 mg/hr में करनी है। पावर का, डोज का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है आपको और डॉक्टर के पास जाने की यही मेन वजह होती है कि आपको दवाई का तो पता होता है पर आपको डोज और रिपीटेशन का नहीं पता होता कि इसको रिपीट कितनी बार करना है और किस पावर में करना है, तो वो मैं आपको पूरा डिटेल में बताऊँगा। 1 mg/hr के अंदर करना है आपको 4 बार, लेना कैसे है, 1 कप पानी के अंदर आपको 1 ड्रॉप बेलाडोना 1 mg की डालनी है, वो डाइल्यूट हो जाएगी और हर 1 घंटे के बाद या 2 घंटे के बाद आपको 3 या 4 बार आपको इसको लेना है। इससे क्या होगा, आपका पेन बिल्कुल कम हो जाएगा, रेडनेस पूरी कम हो जाएगी और धीरे धीरे बैठना शुरू हो जाएगा। ये पहली स्टेज होती है। सेकंड स्टेज के अंदर क्या होता है कि अगर ये सेकंड स्टेज में पहुंच गए, सेकंड स्टेज में कोर बनना शुरू होती है, जैसे मैंने बताया कि इसमें थोड़ी सी ऊपर पस आपको दिखाई देना शुरू हो जाएगी, तो इस स्टेज में दवाई काम करती है हिपरसल्फ, इसको भी आपको 1 mg/hr में लेना है every 2 hours। लेने का तरीका सेम है, 1 कप गुनगुने पानी में खाना खाने से आधा घंटा पहले या खाना खाने के आधा घंटा बाद, 4 या 5 बार आप ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर पेन या पेन ज़्यादा है या प्रॉब्लम अगर ज़्यादा है तो आप ज़्यादा बार रिपीट कर सकते हो, अगर प्रॉब्लम कम है तो दिन में 3 या 4 बार से ज़्यादा रिपीट हमें नहीं करना है, ठीक है। थर्ड मेडिसिन है दोस्तों सेलिशिया 30, ये हमें 1 mg/hr में नहीं लेनी है क्योंकि जब सेलिशिया की स्टेज आती है ना, सेलिशिया की स्टेज तब आती है जब पूरा पस ऊपर दिखने लग जाता है और ये वो स्टेज होती है जब ये पूरा फटके ही बाहर आएगा। इसमें सर्जन के पास अगर आप जाओगे तो वो कट लगाना प्रेफर करेगा और होम्योपैथ के पास आओगे तो डॉक्टर ये चाहेगा कि 1 दिन के अंदर या 15-20 घंटे के अंदर ये पूरा पक्के फूट जाए। जैसे ही आप सेलिशिया 30 लेंगे एवरी आर 4 या 5 बार, तो ये 5 से 10 घंटे के अंदर पूरा फट जाएगा, पूरा पक्के फट जाएगा और उसके बाद हीलिंग में चला जाएगा।
तो ये जो सर्जरी की जरूरत पड़ती है ना, ये सेलिशिया सर्जरी की जरूरत आपको नहीं पड़ने देगी, और जो कट लगा रहे हैं वो कट लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और जैसे ही फटेगा, फटने के बाद ये वापस हीलिंग प्रोसेस में चला जाएगा, और 2 या 3 दिन के अंदर ये पूरा हील हो जाएगा। ठीक है, अगर आप 1 एम्पावर में लेंगे ना सेलिशिया, तो सेलिशिया 1 एम्पावर में उसको वापस सुखाना शुरू कर देगी, जैसे एंटीबायोटिक्स करते हैं। एंटीबायोटिक्स क्या करती है, जैसे पस बनना शुरू हो गया, आपको एंटीबायोटिक दे दी ना, तो पूरा पकेगा भी नहीं, क्योंकि एंटीबायोटिक उसको सुखाएगी और वो पकना चाहेगा। तो ऐसे प्रोसेस में जब अपोजिट मेडिसिन हम दे देते हैं ना, तो ये पूरा लंबा खिंच जाता है ट्रीटमेंट। ऐसे में हमें क्या करना होता है, कोई भी चाहे होम रेमेडी से किसी भी चीज़ को उसके ऊपर अप्लाई करके उसको पकाना होता है, चाहे वो मेडिसिन दे के पकाए। अगर हम कोई भी ऐसी मेडिसिन लेते हैं जिससे वो सूखना शुरू हो जाए, तो वो फिर ठीक नहीं होगा, नीचे गांठ बनना शुरू हो जाएगी, वो फिर और भी ज़्यादा दर्द करेगी, बहुत ज़्यादा पेनफुल हो जाएगी। चाहे उसको ड्रेन कर दिया गया है, चाहे नहीं किया गया है, चाहे पहली स्टेज है, दूसरी है, तीसरी स्टेज है, आपको एंटीसेप्टिक इस पर अप्लाई करना है। एंटीसेप्टिक होम्योपैथी में आता है सबसे बढ़िया कैलेंडुला क्यू। कैलेंडुला क्यू को आपको कॉटन पे लगा के, चाहे पहली स्टेज है, चाहे सेकंड स्टेज है, चाहे थर्ड स्टेज है, चाहे उसको रप्चर कर दिया गया है, फट के उसके अंदर से सारा पस बाहर निकाल दिया, उस स्टेज के अंदर भी आप कैलेंडुला से इसके अंदर ड्रेसिंग कर सकते हैं। कैलेंडुला क्यू को कॉटन पे लगा के आप उसको अप्लाई करके, ये एज ए एंटीसेप्टिक है, क्योंकि इन्फेक्शन फैलने का खतरा ज़्यादा रहता है। जब वो फट के बाहर आ जाता है तो वो ओपन हो जाता है, तो ओपन के अंदर इन्फेक्शन फैलने का खतरा ज़्यादा रहता है, क्योंकि पहले से उसमें स्टेफाइलोकोकस यूरियस बैक्टीरिया का इन्फेक्शन है, तो उसे हमें एंटीबायोटिक से या पोविडिन या मीटाडिन से हमें उसको ड्रेसिंग करनी पड़ती है। ठीक है, एलोपैथी का मैंने आपको बताया कि एलोपैथी में एंटीबायोटिक्स, पेन किलर और एंटीसेप्टिक्स होते हैं। इसी चीज़ को होम्योपैथी रिप्लेस कर सकती है। फर्स्ट स्टेज के अंदर हम एंटीबायोटिक देते हैं, सेकंड स्टेज में हम एंटीबायोटिक देते हैं, वो काम आपका बेलेडोना हाइपरसल्फ कर देगी। थर्ड स्टेज में जो कट लगाना पड़ता है, जिससे डॉक्टर ड्रेन करके पस को बाहर निकलता है, वो काम आपका सेलिशिया 30 कर देगी। तो होम्योपैथी को, ठीक है, कैसे एलोपैथी से हम रिप्लेस कर सकते हैं, ये मेरा मकसद है, ये मैं आपको बताना चाह रहा था। ठीक है, तो ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मैं इस चैनल पे लेके आता रहूँगा। छोटी मोटी जो भी डे टू डे लाइफ के अंदर जो भी डिजीजेज आती हैं, उसका आप ट्रीटमेंट होम्योपैथी से अपने घर पे कर पाएं, आपको डॉक्टर के पास जाने की जरूरत ना पड़े, ये मैं चाहता हूँ। ठीक है, अगर आप इन मेडिसिन को बाय करना चाहते हैं, तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहाँ से जाके बाय कर सकते हैं, या किसी भी होम्योपैथी स्टोर से आप जाके बाय कर सकते हैं, आपको ईजिली मिल जाएगी, बहुत कॉमन मेडिसिन है। मुझे आपसे क्या चाहिए, एक लाइक से मेरा मोटिवेशन बढ़ता है और मुझे प्रेरणा मिलती है कि मैं और भी आपके लिए अच्छी वीडियोस लेके आऊँ, क्योंकि आप लाइक करते हैं तो मुझे लगता है कि आप मेरी वीडियोस को पसंद कर रहे हैं, आप चाह रहे हैं कि मैं और वीडियोस बनाऊँ, और इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। तो आशा करता हूँ इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी है। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए, ताकि जो भी वीडियोज़ मैं अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आप तक तुरंत आ जाए। थैंक यू सो मच।